नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आज मैं आया हूँ होटल रीट्स में, जो कि पुणे रेलवे स्टेशन से बहुत करीब है। और फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो पुणे पुलिस कमिश्नर ऑफिस जहाँ पर है ना, ठीक उसी के आसपास पोस्ट ऑफिस के एकदम सामने है। तो ये होटल एक्चुअली बहुत पुराना है और इससे मेरी दो यादें बहुत जुड़ी है। एक तो पहली याद ये है कि मेरी दादी यहाँ पर किचन में काम करती थी, तो वो एक याद है। दूसरी याद है मेरी मम्मी, जो कि अभी हमारे साथ नहीं है, कोविड में उनकी डेथ हो गई। तो मेरी मम्मी और हम लोग सब मिलके यहाँ पर है ना 1 जनवरी को आते थे ये होटल में, हर 1 जनवरी को। बीच में भी एक आध बार आ जाते थे हम लोग, लेकिन हमारा फिक्स था। मेरी मम्मी को ये होटल बहुत पसंद है, इनका जो रेस्टोरेंट है बहुत पसंद है। यहाँ पर मेरी मम्मी बोलती ही थी कि 1 जनवरी को हमको यहाँ से शुरू करना है जो भी है। तो हम यहाँ पर आते थे, हमारा खाना 1 जनवरी का यहीं पर खाते थे। तो ये दो चीज़ें इस होटल से बहुत जुड़ी है मेरी। और वैसे आप देखोगे पुणे में, अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे, गूगल पे, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, तो आप देखोगे लोग बताते हैं कि पुणे में ये होटल फेमस है, वो होटल फेमस है। इसका नाम ज़्यादा कभी आता नहीं, होटल का कोई कभी ज़्यादा नाम नहीं आता। लेकिन अगर आप कभी आओ तो इसका खाना बहुत अच्छा है, वेज है, पूरा वेज खाना है। वैसे मेरे चैनल पर नॉन वेज ज़्यादा आता है, लेकिन अभी बहुत दिन के बाद मैं वेज का वीडियो बना रहा हूँ। तो आज मेरे साथ है मेरे दोस्त विवेक, जो कि जबलपुर से आए मुझसे मिलने। और तो विवेक, आप फर्स्ट टाइम आए हो यहाँ पर? यस, फर्स्ट टाइम। तो विवेक को वेजिटेरियन, विवेक एक्चुअली वेजिटेरियन है, तो उनको वेजिटेरियन खाना था, तो बेस्ट ऑप्शन रिट्स था। तो चलो चलते, विवेक को भी पसंद आता है क्या देखते। तो ये एंट्रेंस है दोस्तों इसका, आगे होटल है और ये पीछे इनका रेस्टोरेंट है, आप देख सकते हैं। छोटा सा ही है लेकिन खाना आपको एकदम घर जैसा लगेगा और अपनापन लगेगा पूरा इधर। तो ये आ गई हमारी एम्प्टी थाली, अभी इसमें फिलिंग होगा। मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या इसमें होता है, पूरा प्रोसेस। पर एम्बियंस बहुत अच्छा है, एम्बियंस अच्छा है ना, बहुत ही अच्छा है, पूरा ओपन है, खुला खुला है, अच्छे फ्रेग्रेंस है। तो ये आ गई चटनी, या आया सलाद, चटनी, इसमें भी चटनी है, ये ढोकला आया, दही वड़ा दोस्तों, ये देखिए दही वड़ा, बहुत टेस्टी होता है इनका दही वड़ा। देखो दोस्तों ये आया आलू गोभी, ये आई भिंडी। मैंने जैसे बताया ना आपको, एकदम घर जैसी फीलिंग आएगी, घर जैसा खाना है। बटाना, येलो बटाना, ये येलो बटाना, ये दौड़का ग्रीन पीस, ये दौड़का, अच्छा। तो ये देखो, ये पूरा आपको घर जैसा फीलिंग आएगा। मैं दोबारा लूंगा, वेस्ट नहीं होना। और ये दाल है, ये अपनी दाल, भिंडी बहुत कम, ओके, गुजराती कड़ी, ये गुजराती कड़ी बहुत कम। फोटो लेने का पार्टी हो जाता है, हाँ इनका फोटो लेने का है इनका, हाँ। और यहाँ पर दो ऑप्शन है ना, ये दो ऑप्शन पर भाकरी भी है और फुलका भी है, मुझे सिर्फ भाकरी दो। चलो एक फुलका रहने दो, फुलका को क्यों नाराज करें। यार सुनो, दो फुलके हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, एक भाकरी एक फुलका है। नहीं, एक रख दो ना, बस दोबारा। चलो ठीक है, थैंक यू। हाँ। तो देखा दोस्तों आपने कितना सिंपल खाना है, लेकिन आप जब खाओगे ना आपको बहुत अच्छा लगेगा, एकदम घर जैसी फीलिंग आएगी, इतना अच्छा बना दो। बिल्कुल कोई ऐसा प्रिजर्वेटिव नहीं रहता है या कुछ, जैसे बाहर के होटलों में मैंने भी खाया देखा है, आपको ये खाना खाने के वक्त भी एसिडिटी नहीं आएगी, इतना मतलब घर जैसी फीलिंग आएगी। ये मूंग दाल का हलवा है, मीठा हो जाएगा ना अभी, मूंग दाल का हलवा है अभी, ये इधर थोड़ा सा मैं बाद में लेता हूँ। दोस्तों मैं भी बहुत दिन के बाद आया हूँ टेस्ट करते, यम्मी, जैसे मैंने बताया, हाँ घर जैसा ही फीलिंग आएगा। मैं अभी विवेक खाएगा तो मैं विवेक का भी बताऊंगा आपको, मैंने तो पहले खाया, जैसे वो खाएगा
वो बताएगा कैसा। ये देखिए भिंडी एकदम घर जैसी, शक्ल ही इतनी अच्छी लग रही है भोजन की, स्वाद तो क्या ही होगा। तो विवेक से पूछते हैं, विवेक कैसा लगा आपको? थैंक यू सो मच अमोल, मजा आ गया भाई, मजा आ गया, आउटस्टैंडिंग फूड, थैंक यू। अच्छा लगा, एकदम घर जैसा लग रहा है ना? भूख बहुत लगा नहीं था, खाने के जो प्रिपरेशन देख के भूख लगाया अभी। दोस्तों देखिए, अच्छा लगता है कि कोई बाहर से आता है, फिर हम उसको खाना खिलाते हैं ऐसी जगह पे और एप्रिसिएशन मिलता है। और वाकई में यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, कि अगर आपका भी अगर कोई मेहमान आते हैं ना, आप यहाँ पर लाइए अगर वो वेज खाते हैं तो। वैसे मेरा प्लान था विवेक को नॉन वेज खिलाने, लेकिन विवेक खाता ही नहीं नॉन वेज, तो हमने सोचा आज वेज। मुझे भी बहुत दिन से वेज पे वीडियो बनाना था, लेकिन कोई टॉपिक ही नहीं मिल रहा था, चलो विवेक ने टॉपिक दिया। राउंडली वेज, बेस्ट जगह आए हम लोग आज, तो वेज के लिए एकदम बेस्ट जगह है दोस्तों। दोस्तों इनके दही वड़ी की, दही की थिकनेस देखिए, ये देखें, और ज़्यादा मीठा भी नहीं होता है, एकदम बेस्ट। ये देखिए दोस्तों कितनी प्यारी भाकरी है, उसके ऊपर घी लगाया हुआ, एकदम छोटी सी, उसके साथ भिंडी, फ्लावर, फ्लावर तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये है अपनी गुजराती करी, जो थोड़ी सी मीठी होती है। दोस्तों अभी आई इनकी खिचड़ी, इसका टेस्ट अलग ही होता है। जब भी आप आओगे ना, खिचड़ी ट्राई करना एक बार, और उसके ऊपर देसी घी। ये देखिए विवेक, एक बार खिचड़ी ट्राई करो। ओके, बेस्ट खिचड़ी है। कितना घी है यार इसमें तो। अरे खाओ, एक समय पे घी खाओगे कुछ नहीं होगा। क्या बात है यार, सही है ना? नो वर्ड्स, है ना? ये देखो, और स्टाफ भी बहुत अच्छा है विवेक, स्टाफ बहुत है ना, बड़े प्यार से दिल से खिला रहे हैं, है क्या? नहीं, ओनर भी आके बात कर रहे हैं अपने दिल से खिला रहे हैं। ये देखिए, ये सारा स्टाफ है, बहुत अच्छा है, प्यार से आपको खिला रहे, पूछ रहे आके क्या चाहिए क्या नहीं, बार बार एक घर जैसी फीलिंग आ रही है ना। खिचड़ी इतनी सॉफ्ट बनी है कि मुँह में डालते ही घुल जा रही है। तो आप हमारी ये ना खाली थाली से देख सकते हैं, विवेक का भी देखिए, ऑल फिनिश्ड। हाँ, ऑल फिनिश्ड, इससे आप समझ सकते हो कि ये खाना कितना टेस्टी रहा होगा, खाना कितना टेस्टी रहा होगा। अभी वेस्ट नहीं हुआ खाना, था ही ऐसा, हमने वेस्ट किया ही नहीं, कर नहीं सकते। रेस्टोरेंट में आपको एक मंदिर भी दिखाई देगा दोस्तों, जो कि रेस्टोरेंट के एकदम बगल में ही है, शिव मंदिर है ये, ये देखिए। और ये इनका किचन है, और ये देखिए ये रेस्टोरेंट है, और इसी के एकदम कोने में यहाँ पर शिव मंदिर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला भगवान को यहाँ पे भोग चढ़ाया है, ये देखिए। तो पूरा जो एनवायरनमेंट है ना, बहुत अच्छा है, आपको बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पर अगर आप आते हो ना रात के समय, तो बहुत अच्छा लगता है। ये इनका पूरा खाना भी इन्होंने रखा है, ये देखिए, ये यहाँ से भर भर के देते ये सब्जी आती जो अभी दी थी। तो दोस्तों थाली अभी हमारी खाकर फिनिश हो चुकी है, बहुत मज़ा किया हमने थाली खा के। तो अभी हम जाएंगे विवेक को चाय पीनी है, तो यहाँ पे सबको पता है पुणे में डायमंड में सबसे अच्छी चाय मिलती है, हालांकि बहुत भीड़ होती है विवेक वहाँ पे, लेकिन चाय बहुत टेस्टी मिलती है। तो अभी विवेक को लेके चलते हैं डायमंड में चाय पिलाने, ठीक है?